और बड़ी खबर, दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। सड़क किनारे बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर मौजूद है। मेयर ने कहा है कि सरकारी जमीन से कब्जा हटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आज बुलडोजर मंगवाए गए हैं और यहाँ पे जो अवैध रूप से बनी हुई है, जो सरकारी जमीनों पे इन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी है, वो हटना बहुत जरूरी था और ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। और ये जरूर है कि डिले हो गया है, मगर ये पहले ही हो जाना चाहिए था। हमने पहले भी पुलिस प्रशासन के सामने रखा था कि यहाँ पे जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ये इसकी एक मेन रीजन है। ये जो यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनके पास हथियार भी पाए गए हैं, इन्होंने अपने हथियारों के दम पे ही यहाँ पे सब इंक्रोचमेंट की और यहाँ पे क्राइम करे। नहीं, एमसीडी ने एक्शन लिया है, पहले भी कार्रवाई हुई है और हमने पुलिस का पहले भी सहयोग लिया, मगर दिक्कत ये रही है कि हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है कि कभी अगर कार्रवाई होती भी है तो अगले दिन फिर से इंक्रोचमेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक जो परमानेंट एक्शन था वो नहीं लिया गया जो अब लिया जा रहा है। ये जो एक्शन है बहुत जरूरी है। जो और मैं बताना चाहूंगी, हर घर में आज यहाँ पे जितने निवासी हैं ना, जो यहाँ पे काफी समय से रह रहे हैं, जो अपने अपने घर में अपने सब। और देखिए, दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, पुनीत शर्मा और जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अभी अभी हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट सुना है जिसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत डिले हो गया, इससे पहले ये कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। जरा ये बताइए कि कितने समय से सरकारी जमीन पर इस तरीके से अवैध कब्जा किया गया था जिसे अब तक नहीं हटाया जा सका, और अब इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है इतनी भारी सुरक्षा बल के साथ। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मैं लगातार कह रहा हूं कि दिल्ली के इतिहास में एमसीडी की एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जहांगीरपुरी में 16 तारीख को हिंसा हुई और उसके बाद महज पांचवें दिन ये कार्रवाई की जा रही है। जहांगीरपुरी कई सालों से यहां पर घनी बस्ती का इलाका है, काफी छोटे छोटे घर है, कोई घर 25 गज का है तो कोई घर 15 गज तक का है, और आप देखिए इसी वजह से इन सड़कों पर इन गलियों में काफी ज्यादा अतिक्रमण किया गया है। आपके सामने ये जो बुलडोजर चल रहा है वो काफी संवेदनशील इलाके में चल रहा है, क्योंकि यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी। इस वक्त जो बुलडोजर सामान उठाकर, अतिक्रमण का सामान उठाकर ट्रक में रख रहा है, यहीं पर गोली चलाई गई थी, गोली यहीं से ठीक जगह से चलाई गई थी, और इसीलिए यह इलाका संवेदनशील, और इसीलिए बाकायदा बैरिकेडिंग करके जो मीडिया की टीम है उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो टीम है उसको यहाँ पे खड़ा किया गया। ये एक तरीके से हम लोगों के लिए स्टॉप पॉइंट बना दिया गया, और इसके उधर जो दूसरी तरफ है वो एक अहम जगह है, और इसीलिए इस जगह पर कार्रवाई की जा रही है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली के जहांगीरपुरी से इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से बुलडोज करने की तमाम घरों और दुकानों की, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, इंक्रोचमेंट कर रखा था, जो अवैध निर्माण था उन्हें गिराने की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। जितेंद्र भाटी भी जहांगीरपुरी से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। जितेंद्र, जरा बताइए कौन कौन से लोग हैं जिनके घरों पर, दुकानों पर आज बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और क्या इनमें से कुछ लोगों का जहांगीरपुरी हिंसा से भी लिंक है? कुछ आरोपियों के घरों पर भी बुलडोजर चल रहे हैं क्या? अगर उनकी डिटेल हो तो बताइए। समीर, बिल्कुल आपको बता दूं कि यही वो चौराया है, सामने वो कुशल सिनेमा है, और यही मेरे ठीक पीछे वो मस्जिद है जहां पर ये शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की शुरुआत हुई थी। हमने एमसीडी के मेयर से बात की, राजक बाल सिंह से, उन्होंने कहा कि हमने किसी को चिन्हित नहीं किया है, लेकिन इस जगह पर आप देखेंगे वही चौक है, सामने जूस की दुकान, और ये जूस की दुकान के मालिक का दावा है कि 30 साल से दुकान चल रही थी, तब से इसको नहीं हटाया गया। और खासकर मेयर का ये कहना था कि हमने किसी को चिन्हित करके कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस इलाके में इंक्रोचमेंट है तो उसे हटाया जा रहा है। और इंक्रोचमेंट की जो बात कर रहे हो दिखता भी है, आप देखें समीर, ये सड़क है, सड़क से आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो इस तरह का, क्योंकि कबाड़ का काम बड़े स्तर पर यहाँ पर होता है, उसमें गिरा हुआ है, उनको हटाया जा रहा है। और आपको यही बता दें कि इसे या तो सहयोग समझ लीजिए, क्योंकि जो आरोपी है उनमें से ज्यादातर का काम भी है कबाड़ का ही काम था, उनको भी ऐसे इंक्रोचमेंट किया गया था,
उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे अवैध निर्माण यहाँ पर किए हुए थे, तो किसी को चिन्हित कर नहीं कर रही है एमसीडी कार्रवाई। एमसीडी इस पूरे इलाके में जो भी जितेंद्र मैं चाहूंगी की तस्वीरें दिखाइए जरा कैमरे के जरिए, देखिए ये जो अभी कार्रवाई चल रही है यानी बुलडोजर इस वक्त चल रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एरियल व्यू एक तरह से इस इलाके का आप देख रहे हैं। जितेंद्र आप बने रहिएगा, पुनीत भी हमारे साथ है, श्रद्धा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्रद्धा, जिस जगह पर आप मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि अतिक्रमण हटाने की ये जो कार्रवाई है कितनी सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि वहां मौजूद कुछ लोग इसे लेकर विरोध भी जता रहे थे। जी बिल्कुल, विरोध जता रहे हैं और जो कार्रवाई है वो काफी हद तक उसमें तेजी देखी जा सकती है। आप मेरे पीछे देंगे वो सामने जो गली थी, सड़क थी, वहां पर जो दो दुकानें हैं उनको हटाया गया। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो जेसीबी है वो मूव हो गई, चार से ज्यादा यहाँ पे जेसीबी है आप देखेंगे। इसी के साथ ही मैं पूर्णिमा आपको एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि जूस की दुकान पर जो छोटे छोटे घर बने हुए थे अब उन घरों को भी तोड़ दिया गया है। इसी के साथ ही जिनकी ये दुकानें थी, जो महिलाएं थी, थोड़ी देर पहले की बात की जाए तो वो बहस भी कर रही थी पुलिस से कि आप इस तरीके से क्यों हटा रहे हैं, हमारी 30 से 35 साल पुरानी ये दुकान है, निगम की तरफ से हमें कोई नोटिस नहीं भेजा गया। लेकिन जो पहली दुकान यहाँ पर जो मौजूद थी, जूस की दुकान थी, उसको हटाया गया। जब हमने उसके मालिक से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम सुबह से अपनी जो दुकान है वो हटाना चाहते थे लेकिन हम समय रहते अपनी दुकान नहीं हटा पाए हैं। आप देखेंगे तस्वीरें और ये दुकान के मालिक हैं, आप देखेंगे लगातार जो लोग हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर अतिक्रमण के दौरान यहाँ पर तोड़ी गई है, आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से वो अपना सामान उठा रहे हैं ये महिलाएं। ये यहाँ पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पे पुलिस से कह रही थी कि कोई नोटिस मुझे नहीं मिला तो आपने मेरी दुकान कैसे हटा दी, तो इनसे निगम की। लेकिन श्रद्धा, इस बीच मेयर का ये कहना है कि ये रूटीन कार्यवाही है, एक तरफ बात सामने आ रही है कि नोटिस नहीं मिला, वहीं मेयर ये कहते हैं कि रूटीन कार्यवाही है। श्रद्धा बनी रही है हमारे साथ, एक बार विवेक का भी रुख कर लेंगे। विवेक लगातार अपनी नजर बनाए हुए, विवेक जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीरें हमें दिखाइए और इस तोड़फोड़ के दौरान ये जो इंक्रोचमेंट हुआ है इसको हटाने के दौरान कहीं ना कहीं हथियार भी बरामद हो रहे हैं और थोड़ी देर पहले खबर ये भी सामने आई थी कि दो हथियार सप्लायर्स को पकड़ा गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कबाड़ के धंधा चलाने की आड़ में हथियारों की भी सप्लाई की जाती रही है वहां से? देखिए अंकिता, बात की जाए तो सबसे पहले अतिक्रमण की बात करेंगे तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो जगह है जहां पर सबसे पहले जो है शनिवार को हिंसा शुरू हुई थी। ये जो सड़क आप देख रहे हैं जहां पर टेंट लगा हुआ आपको नजर आएगा, यहां से जो है हिंसा शुरू हुई थी और धीरे धीरे जो हिंसा है वो आगे की तरफ बढ़ी थी और यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है अतिक्रमण किया गया था। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जेसीबी मशीन द्वारा जो है यहाँ का सारा सामान हटाया जा रहा है। बाकायदा पुलिस जो है इस बात की भी निगरानी रख रही है कि यहाँ पर कोई हथियार तो नहीं छुपा हुआ, तलवार या आदि कोई चीज़ें तो यहाँ पर नहीं रखी हुई, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तादाद में बोतलें थी और जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी, बोतलें फेंकी गई थी, वो कहीं ना कहीं यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि यहीं से उठाकर जो है पूरी इकट्ठी की गई थी और उसके बाद हमला किया गया था, जो आपस में जिस तरह से हिंसा हुई थी। तो साफ है कि अब अतिक्रमण का कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है। तस्वीरों में ये दिखाऊं तो ये चौक है, इसे कौशल चौक कहते हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। सामने जो आप सड़क देख रहे हैं जहाँ पर अतिक्रमण का हटाने का चल रहा है, वहाँ पर सोनू चिकना, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था, जिसने पिस्टल जिससे बरामद की थी, उसने गोली चलाई थी, इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी, 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है वो, उसका घर है यहाँ से 2 गली छोड़कर, वहाँ पे काफ़ी तादाद में एंक्रोचमेंट जो है वो किया गया था और वहाँ पर काफ़ी तादाद में बोतलें भी रखी गई थी। तो वहाँ पर देख सकते हैं कि आप पुलिस की टीम जो है वहाँ पर बाकायदा निगरानी रख रही है और साथ ही ये देख रही है कि आखिरकार इन सामानों के अंदर कुछ अन्य चीज़ें तो नहीं थी, कोई हथियार या फिर आदि चीज़ें जो है वो तो नहीं था। तो हर एंगल से पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और पूरे मामले की जाँच हो रही है। जितेंद्र भाटी, जैसा सुनने में आ रहा है कि वहां पर जो लोग दुकानें चलाते थे वो ये कह रहे हैं कि 30 से 35 साल से वो यहां पर दुकान चला रहे हैं, 30 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब अचानक इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। जैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको हम फॉलो करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि ये जो अभी डेमोलिशन ड्राइव हुई है वो इलीगल है, इस वजह से स्टेटस को मेंटेन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल इस मैटर को हर्ट सुनेंगे और आज के लिए ये रोक दी जाए। आप तक अभी कोई मैसेज आया सर? नहीं, मेरे पास अभी मैसेज नहीं आया एक्चुअली, कि मैं फोन उठा नहीं पा रहा। अभी मैं डिस्कस करके जैसे भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उस पर पालन किया जाए। ठीक है, तो लगातार बयान जो सामने आ रहे हैं आधिकारिक रूप से वो भी आपको बता रहे हैं इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी हुई। पुनीत हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर बुलडोजर इस वक्त चलाया जा रहा है। पुनीत, एक वाजिब सवाल है, 30 साल से अगर यहां पर अवैध अतिक्रमण था तो इतना लंबा समय क्यों लग गया ये कार्रवाई करने में, बुलडोजर चलाने में?
जी बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है आपका, और इस सवाल का जवाब देने के लिए खुद एमसीडी के जो कमिश्नर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सर ये बताइए, इतना बड़ा मामला है, इतना लंबा समय क्यों लगा अतिक्रमण हटाने के लिए? मैंने आपको बताया है कि अभी ये हमारी ऑनगोइंग एक्सरसाइज है, हर साल जो है वो हर महीने इस तरह के वार्ड्स और जोन्स में कार्रवाई करते रहते हैं, उसी का प्रोसेस है। नहीं तो क्या ये जो हिंसा हुई थी उसके मद्देनजर किया जा रहा है? हमारा कोई लेना देना नहीं है, इससे पहले भी इसी साल में छठी या सातवीं कार्रवाई है, ये तो रेगुलर कार्रवाई है। आप खुद ही अपनी इस एरिया को देख रहे हैं, पूरे पब्लिक के रोड जो है 100-100 फुट के रोड है वो पूरे एनक्रोच हो रखे हैं लोगों को चलने में, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो बुलडोजर का एक्शन आप देख रहे थे दिल्ली के जहांगीरपुरी में, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि यथास्थिति बनाए रखें, यानी बुलडोजर के इस एक्शन को तुरंत रोकना होगा एमसीडी को। इससे पहले भी याद कीजिए, जब यूपी में बुलडोजर चले थे तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया, सख्त रुख दिखाया था, और अब दिल्ली में इस बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये आदेश दिया है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, यथास्थिति बरकरार रहेगी। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, जरा विस्तार से बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अपने आदेश में? जी समय, देखिए इस मामले में अभी यथास्थिति का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी विस्तार से। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले पर यथास्थिति का आदेश इसलिए जारी किया है क्योंकि वह मुल्का इस मामले पर पूरी विस्तार से सुनवाई करना चाहता है कि आखिर हकीकत क्या है और फसाना क्या है। तो यही वजह है कि आज उसने यथास्थिति का आदेश जारी किया है और कल इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा। ठीक है पीयूष, पीयूष बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। सीधे चलेंगे अपने 4 रिपोर्टर्स के पास जो इस वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी में मौजूद है। सबसे पहले पुनीत, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, कहा यह गया है कि यथास्थिति बनाए रखिए, यानी बुलडोजर को रुकना होगा, ये एक्शन बंद करना होगा, क्या हो रहा है इस वक्त ग्राउंड पर? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया, लेकिन अभी यहां पर बुलडोजर जस के तस लगातार चल रहे हैं। एमसीडी के जो कमिश्नर हैं, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा पुनीत, पुलिस अधिकारियों से बात कीजिए ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो ऐसे में बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई चल रही है उसे तो तुरंत रोका जाना चाहिए। पुलिस अधिकारी जो मौके पर मौजूद है क्या कह रहे हैं? देखिए जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर हमारी पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है, सभी पुलिस अधिकारियों का कहना था कि कार्रवाई होने के बाद वो मीडिया से बात करेंगे, और इसीलिए जो मुख्य गली थी जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर मीडिया को जाने से भी रोक दिया गया है। थोड़ी देर में चूंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है पुलिस तक पहुंचा, तो अब आप आगे जो अगले 10-15 मिनट है वो काफी ज्यादा क्रूशल हो सकते हैं। बिल्कुल, यथास्थिति बनाए रखने के लिए पुनीत कहा गया है। जल्दी से श्रद्धा के पास चलते हैं। श्रद्धा, आपके आसपास अगर पुलिस अधिकारी हो तो उन तक क्या जानकारी पहुंच पाई है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेके, क्या बुलडोजर रोका जा रहा है फौरन ये कार्रवाई? देखिए नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जरूर आ चुका है, लेकिन तस्वीरें आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि बुलडोजर द्वारा कार्रवाई पूर्वा अभी भी यहाँ पर लगातार की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि यही वो गली है जहाँ पर 2 बार यहाँ से टीम ने चेकिंग की थी कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। आप मेरे पीछे ही आप देखेंगे कि 2 बुलडोजर आपको दिख जाएंगे, NDMC का जो ट्रक है वो दिख जाएगा, जिस ट्रक में जो अतिक्रमण के दौरान जो सामान है मलबा है उसको, यानी बुलडोजर अभी भी चल रहा है। श्रद्धा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बुलडोजर चल रहा है, क्या आपके इर्द गिर्द कोई पुलिस अधिकारी मौजूद है, पुलिस कर्मचारी मौजूद है जिनसे बात हो सकती है, जिन्हें बताया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में? जरा मैं बात कर लेती हूँ, कुछ यहाँ पर जो पुलिस के कर्मचारी है जवान है तैनात है, आपको सर अभी ऐसी कोई जानकारी मिली है कि इसको रोका जा रहा है, ऐसी कोई जानकारी? मैडम अभी कोई नहीं, हमारे सीनियर अफसर बताएंगे, अभी हमारी तरफ से कोई भी नहीं है, सीनियर अफसर हमारे बताएंगे क्या है? सीनियर अफसर बताएंगे, कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। इसी के साथ ही जो NDMC की टीम है वो भी यही कह रही है समीर कि कोई जानकारी उन्हें नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। तो ये इस वक्त की ताजा स्थिति है, बुलडोजर चल रहे हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में, और उधर जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है कि यथास्थिति बरकरार रखिए, ये एक्शन फौरन बंद कीजिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।